दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर के पुलिस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका मैथ का सॉल्यूशन अपन करा रहे थे। सबसे पहले चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपन ने बहुत कुछ सीखा होगा अभी तक और आगे भी अपन सिखाएंगे। अपना एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखें, क्योंकि आप लोग नया सीखोगे तभी तो सिलेक्शन की उम्मीद ज़्यादा बढ़ेगी। यदि आप लोग जहाँ भी जा रहे हों कोचिंग, वहाँ भी आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि नया सीखोगे तो ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि क्वेश्चन वहाँ हमेशा कोई भी क्वेश्चन आता है उस पर समय दीजिएगा। समय जितना दोगे तो आप उतना ही उस क्वेश्चन से सीखोगे। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आप बस क्वेश्चन को देखो और हल किया और आगे बढ़ गए। नहीं, उसको सोचना है, विचार करना है और विचार करके ये सोचना है कि हम और किस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले अभी तक जितने भी आपने इसके वीडियो बने हैं चैनल पर, जितने भी वीडियो हैं सबको देखें आप और अपने दोस्तों को जरूर बताएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्प्लीट मैथ और कम्प्लीट GS कराई जा रही है। पूरा रीजनिंग भी बहुत जल्द शुरू कराएंगे, तो पूरा आपको एक ही चैनल पर हर चीज़ मिल रही है और फुल विद डिटेल के साथ। अब अपन करते हैं मूव। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था पिछले वीडियो में। जितने भी आप लोगों ने वीडियो डाले हैं पूरे देख लीजिएगा। प्लस के सॉल्यूशन हमने कराए हैं, बहुत अच्छी अप्रोच के साथ कराए हैं आप लोगों ने अभी तक। ये मेरा वादा है, आप लोगों ने अभी तक ऐसा पढ़ा नहीं होगा। आप लोग तुलना करके देख लेना, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो उनसे तुलना कर लेना। मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे क्वेश्चन कराने की सॉल्विंग मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे, मेरा वादा है। और नया भी सिखाएंगे आपसे आपको। चलो इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक पंचारी है जो 5 अंडे 4 की करीब से खरीदता है और 4 अंडे 5 रुपये में बेच देता है, तो उसको हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। आप लोग ये सवाल करना जानते होंगे मुझे पता है, लेकिन क्या इस सवाल को भी बगैर पेन उठाए कर सकते हैं और मात्र 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं सवाल को, यही जीते हैं। चलो पहले हम आपको 5 सेकंड में उड़ा के दिखा रहे हैं, फिर आप लोग सोचना कि हम क्यों नहीं उड़ा पाए, ये भी बहुत जीत है। इसी सवाल के लिए आप लोग, इसी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये जो अंडे रहते हैं, जो भी संख्या है, संख्या क्या है, यहाँ पर कितने अंडे, 4 अंडे, यहाँ पर कितने हैं, 5 अंडे। तो सबसे पहले जो हमेशा जो नंबर रहते हैं, कोई भी मात्रा है, क्वांटिटी, उसको बराबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 5 अंडे, यहाँ पर कितने अंडे, 4, यहाँ लिख देते हैं हम 5 अंडे हैं और रुपये यहाँ पर लिख दिए उनके 4, और यहाँ पर कितने लिख दिए, 4 अंडे हैं और रुपये यहाँ लिख दिए 5। ठीक है, हमने क्या किया, जो गोल इस तरह जो 5 लिखे हैं जी, और ये 4 लिखी हैं गोला अंडा के अंदर, ये हैं आपकी मात्रा, लिख दी हमने मात्रा, और ये हैं आपके रुपए। तो हमेशा याद रखना इस तरह के सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना होता है, हमेशा मात्रा बराबर करना होती है, मात्रा बराबर करना। देखिए ना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 4 गुणा कर देंगे, इसमें 5 गुणा कर देंगे दोनों में, तो मात्रा मात्रा बराबर हो जाएगी। तो कितने हो जाए, 4 5 20, तो 4 4 16 यहाँ पर बन गए, दोनों साइड में होगा 5 4 का गुणा। ठीक है, 4 4 16 बन जाएंगे ये। इसमें देखो, इसमें करोगे आप ये मात्रा बराबर करनी है, तो इसमें कितने करना पड़ेगा, 5 का गुणा, 5 का इसमें भी गुणा होगा, तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब 16 पर कितने बढ़े, 16 रुपया में आपने कितने खरीदे थे, 25 अंडे, 20 अंडे, ये 4 5 20 हुए थे ना, तो इसमें भी 4 का गुणा हुआ था। यहाँ पर 20 अंडे कितने के बेचे आपने, 25 रुपये के, कितने का लाभ हुआ, 9 रुपये का लाभ हुआ, 16 पे 9 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो यही आपको करना है, बस इसी को आपको जितना फास्ट कर लोगे उतना ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो 9/16 कैसे निकालना है, हल कैसे करना है, तुम्हें पता है 1/16 कितना होता है, 1/16 परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए, 1.16 होता है 6.25, ये होता है 1.16, याद रखो इस चीज़ को, परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 1/16 होता है तो परसेंटेज में 6.25, तो 9 का गुणा करना है इसमें, क्या करना है, 9 का गुणा कैसे करोगे, 9 6 54, कैसे करना है गुणा, 9 का गुणा करना है 6.25 में, 9 का गुणा करोगे, 9 6 54, 54 हो गया, यहाँ पर लिख रहा है हम 54। अभी गौरव बढ़ेंगे, क्या हो जाए, 25 नंबर 225, ये हो गया 56.25, क्या हो गया 56.25, कहाँ पर दिया है, ये लाभ हुआ ना, यहाँ पर 56.25 है, बी उत्तर हो गया, क्या होगा, यहाँ पर जो उत्तर तो होगा बी उत्तर हो गया, क्या हो गया, बी उत्तर हो गया। ठीक है, ये भी उत्तर हो गया, करेक्ट है। लेकिन मेरे मित्रों, आपको बस जीत यहाँ से 9/16 निकालने में ली, जिसने 9/16 निकाल लिया उसका पहले उत्तर आ जाएगा। यहाँ से अपन कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं SSC के लिए भी, आप लोगों के इसके बाद हम SSC के सॉल्यूशन कराएंगे, वो बगैर पेन उठाए कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग
और हम लोग नंबर सिस्टम भी पूरा लगभग क्लास ख़त्म होने वाली नंबर सिस्टम भी पूरा करा चुके हैं, तो आप लोग पूरे वीडियो देख लीजिएगा नंबर सिस्टम के भी, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा सीखने के लिए। अब देखते हैं सवाल को। इतना अपन ने 9/16 निकालने बहुत टाइम लगाया और काफ़ी परेशानी भी आई अपन को, तो अब अपन सवाल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपना, ये कहता है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो मात्रा है वो बराबर करेंगे। यहाँ पर कितनी मात्रा दी है, 5 अंडे, यहाँ पर लिख रहे हैं मात्रा, या आप लोगों के समझाने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल को हल करने के पहले ये समझते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले सवाल को समझने के साथ ही ये आपको पता हो जाना चाहिए। तो पढ़ते हैं सवाल। 5 अंडे 4 रुपए में खरीदे, 5 अंडे लिए और 4 रुपए दे दिए आपने, खरीद लिए, फिर आप उनको कैसे बेच रहे हो, 4 अंडे 5 रुपए में। भाई 4 अंडे 5 रुपए में बेच रहे हो आप, भाई आपने खरीदे थे 4 रुपए में 5 अंडे, लेकिन आपने तो 5 रुपए में बेच दिए 4 अंडे का, अभी आपके पास 1 अंडा और बचा है, और 5 रुपए आपने 1 रुपये यहाँ से कमा लिया 4 अंडों पर, तो लाभ ही हुआ कि नहीं हुआ, 1 अंडा बच गया आपके पास और 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है, 4 अंडों पर, तो आपको लाभ हुआ। तो सबसे पहले हानि तो हो ही नहीं सकता, माना उत्तर क्या नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। ये सवाल को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, वो आएगा जो कैसे समझ में आना चाहिए। आप ऐसे मानो 5 अंडे, आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम बता देते हैं 5 अंडे 4 रुपए में, ठीक है। आपने कही अब यहाँ पर देखो 4 अंडे दिए, कितने दिए 4 अंडे, तो इसे भी 5 अंडे मान लो अपन, भाई 5 ही अंडे भी होते तो 5 रुपए में बेचते तब भी तो हमें 1 रुपए का लाभ मिलता, समझ में नहीं हो रही। तो अपने इन्हें जो 4 अंडे दिए हैं इनको भी 5 रुपए मान ली, तब भी अपने समझ में आ रहा कि 5 लाभ ही हुआ हमें, ठीक है, समझ में नहीं। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आई, हम तो आपको यही समझाना चाह रहे थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन इस सवाल को पूरा सॉल्यूशन करते हैं। देखो अब अपने क्या, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मात्रा बराबर करना है। तो मात्रा यहाँ पर कितने दिए, 5 अंडे दिए हैं, यहाँ पर 4 रुपए लिख दिए, ठीक है। फिर आपने कहा 4 अंडे 5 रुपए में, ये मात्रा लिखी है, ये रुपए लिखी है यहाँ पर, ठीक है। मात्रा बराबर करनी है आप लोगों को सबसे, देखो तो हमने की मात्रा बराबर करनी है, तो यहाँ कितने हैं, 4 अंडे हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी बढ़ोतरी होगी, जितनी परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी, उतनी ही रुपए में बढ़ोतरी हो जाती है, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता भी होगा। तो सबसे पहले हमें 4 को क्या करना है, बराबर करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि 4 को 5 बना लें, इस 4 को जो 4 अंडे दिए हैं, ये 4 अंडों को 5 अंडे बना सकते हैं। कैसे बनाना होगा, आप बोलोगे कि इसमें हम 1 अंडा बढ़ा देते हैं, 1 अंडा मतलब इसका 1 अंडा, एक कितना परसेंटेज होगा, 25%, इसका 1/4 इसी में जोड़ देते हैं, इसका 1/4 निकाल के इसी में जोड़ देंगे, मतलब 1/4 कितना होता है, 25%, इसका 25% निकाला इसी में जोड़ दिया, तो 1 अंडा 1/4 कितना होता है, 4 का 1/4 1 रुपया होता, 1 अंडा होता है, तो एक हमने जोड़ दिया 5 होगा, इसका भी 1/4 निकालना पड़ेगा, इसका 1/4 कितना होगा, 1.25 कितना होगा, 1.25, 5 का 1.25 दोनों का होता है, 1.25 हो जाएगा, तो 6.25 हो गया। अब देखो 5 अंडे 6.25 में, 5 अंडे 4 रुपये में, तो क्या हुआ, 2.25 का फ़ायदा हुआ 4 रुपये पे, 2.25 का फ़ायदा हुआ, लिख देते अपन यहाँ पर, लिख दे रहे हैं तुम लोगों की समझदारी के लिए, कि आपको 4 में खरीदे थे, 6.25 में आपने बेच दिए 5 अंडे, यहाँ पर 5 4 रुपये में खरीदे, 6.25 में बेच दिए, तो 2.25 का लाभ हुआ हमको, कितने पे, 4 रुपए पे, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, अब करना नहीं है आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन, जितना हम बता रहे हैं। देखो यहाँ समझो, 4 रुपए पर 2.25 का लाभ हुआ, तो आप कहोगे यदि 2 रुपए होता तो 50% का लाभ होता, ठीक है। अभी 50% से आपको ज़्यादा बढ़ना है, कितना और बढ़ना है, आप बोलोगे इस पर 2 रुपए होते 4 रुपए तो कितने कहेंगे 50% निकाल लेंगे, 50% कितना ज़्यादा हो रहा है, अभी 0.25 पैसा और ज़्यादा है, 4 रुपए पर 0.25 हम निकाल लो 25 पैसा 0.4 पे, ठीक है, 4 पे, तो 2.10 बटाएंगे 4 बिंदी हो जाएंगी, 1/16, 1/16 कितना होता है, 6.25, तो 2 रुपया पे मिल रहा है 50 और 6.25 यहाँ से मिले आपको, ठीक है, 6.25 यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट, तो कितने हो जाएंगे 56.25, उत्तर हो जाएगा 56.25 का लाभ, करेक्ट है, ठीक है। 6.25 आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, कैसे किया हमने, देखो सब पहले समझा देते हैं, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। देखो हमने कैसे किया, आप बोले 4 रुपए हो गए, यहाँ पर 6 रुपए 6.25 रुपया का लाभ हुआ, तो 2.25 का लाभ हुआ, ठीक है। आप जो कैसे, आप कभी पूरी कैलकुलेशन नहीं किया करो, आप ऐसे समझा करो, यदि आप कहोगे 2 रुपए होते तो 4 पर 2 रुपए होते तो 50% का लाभ होता, ठीक है, हमने कही। फिर आप बोलोगे भैया और भी है, 0.25 और भी है, तो 4 रुपए पर 0.25, ठीक है। तो आप कैसे कहोगे भाई 4 रुपए का हम कहें 10% कितना होता, तो आप कहोगे भैया 0.4, ठीक है, हम कहेंगे ये 10% है, ठीक है, बोले हाँ, अभी और कितना होगा, आप बोलोगे भैया
हम इसका एक परसेंट कितना होता है, तो 2.04, ठीक है राइट। अब कितना तक ले जाना है अपन को, अपन तक ले जाना है 6 गुना तक, कितने गुना तक, 6 गुना तक, तो 4×6=24 हो जाएंगे, 6 गुना तक ले गए तो 6% और हो जाएगा, ये 6% ये हो गया, तो 24×25=56% तक हो गया, 56% ये दिया, देखो ये दिया, बस 1/4 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो 25% का और लाभ रह गया 4 रुपये पर, तो आप ऐसे लिख लो 25/4 ये लाभ हो गया, 10 बटाओ ये हो गई, ठीक है। ये आप 100% लगा लो, 100% में निकालना है, इस करके आप 4×6=24 और 1/4 और बचा, तो 56.25 करेक्ट है। अब ये माइंड में, अब हम आपको बखर उसके एकदम माइंड में करा रहे हैं, एकदम थॉट प्रोसेस में ला के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक ना। अब आप कहोगे 5 रुपये में ख़रीदा और 5 अंडे खरीदे 4 रुपये में, और यहाँ पर 4 अंडे 5 रुपये, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना है कि हमको जो अंडे मात्रा बराबर करनी है, तो 4 को कैसे बनाना है, 5 बनाना, क्योंकि 5 खरीदे ना आपने, तो 5 यहाँ बनाना है, तो 5 बनाना, तो 1/4 बनाना पड़ेगा, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, 6.25 हो गया, तो 2 यहाँ पर 4 रुपये में खरीदे, यहाँ पर 6.25 में बेच दिए, तो 2.25 का लाभ हुआ, 2.25 का लाभ हुआ, ठीक है। तो आप बोलोगे 2.25 के यहाँ तो 2 रुपया है, तो 50% हो गया, 2.25 के ये 25 पैसा और हैं, 25 पैसा में 4 का भाग दोगे, 4×6=24 और 56.25 खत्म, समझ गए नहीं। मान में कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, मान को समझाओ कि हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है मान में। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है इनका औसत, औसत सब लोग निकालना जानते हो, लेकिन जो हम बताएंगे उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, ये दावा है मेरा, आप पहले खुद कर लेना आप किस तरह करोगे, मैं बता रहा हूँ। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबका जोड़ करके और जितनी संख्या उनका भाग लगाते हैं, एवरेज निकालने के, ये होता फॉर्मूला, सबको सबको जोड़ेंगे हम, 9+99+9 और 3 संख्या 3 का भाग लगा दोगे, यही करोगे। सबसे पहले जोड़ो इनको, कैसे करोगे जोड़, देखो 9, 9, 18 27 में 7 आ गए, फिर 9, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20, 2 हासिल, 9 और 2 11, ठीक है। अब 3 का भाग लगा दो, 3×27 3×9 2×18 3×27 11 3×6 9, ठीक है। इतना आपने ऐसे ही करोगे आप लोग पक्का, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ आपको डिफरेंट ही सिखाऊंगा, मेरा उद्देश्य ही है कि आप लोग को नया सीखो। देखो जैसे आपने देखा कि 9, 9 और 9, 9 में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको लिखना नहीं है, देखो यहीं भी देखो आपको सवाल में देखो, अब 3 का भाग लगाना है आपको, ठीक है। कैसे देखो, ये अलग अलग नंबर में दे सकते हैं आप 3 का भाग, 3×9 इससे काट दी, 3×9 फिर इसको काटो 33 बार, 3 को इससे काटो +3, 3, 3 ये हो गया कि नहीं हो गया, आप समझ गए नहीं। ऐसे काटना है अलग अलग नंबर को, तब तो आपकी आसानी होगी, आप देखो जोड़ने में कितना हो गया, 333 में 333 जोड़ोगे, 366 में 3 जोड़ोगे, 369 का तम, लिखना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं लिखना था, जीतेंगे ऐसे ही करेंगे सवाल। चलो ये है, तुम इस तरह सीखोगे तो तुम्हारी जीत रहेगी, तुम लोग वही पुराना तरीका लगाते रहोगे तो बाजी कोई और मान ले जाएगा। देखो एक स्टेनोग्राफर ने किसी दिन में इतने 16,200 शब्द टाइप किए वो प्रति 6 घंटे में, तो उसकी टाइपिंग औसत गति पूछ रहा है, तो इतने 6 घंटे ये उत्तर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 16,200 × 6 घंटे, लेकिन यहाँ पर प्रति मिनट दे रहा है ऑप्शन में, तो प्रति मिनट बनाना पड़ेगा, तो छोटी राशि में जाने के लिए हमेशा 60 का गुणा करेंगे, ये याद रखो, ठीक है। अब बस यही जीत है कि आप कितने फास्ट कर पा रहा है, राइट है, जो ये चीज़ गुणा कर भाग देना जानता है वो पहले कर ले जाएगा, यही आपकी जीत है। काटेंगे देखो, आप 36 काट दो, ठीक है, ये काटोगे 6×12 36×42, ठीक है राइट है। अब 6 का भाग दो, राइट है, एक जीरो अभी लगा है, राइट, अब 6 का भाग दो, 6×24 और 6×35 45, ये हो गया उत्तर, करेक्ट है। ये तो आप लोग करना ऐसे जानते हैं, लेकिन फिर अपनी जीत कहाँ है ये समझना है बस, यही तो हम नया सिखाना चाहते हैं, हमेशा नया सिखाएंगे, भाग भी देंगे तो भी नई स्पीड से देंगे। चलो आप देखते हैं, सबसे पहले देखा, सबसे पहले ऑप्शन में डालो, आपको यहाँ के दिए हैं प्रति मिनट यहाँ के दिए हैं 6 घंटे, तो आपको उनको मिनट में बदलना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 360, 60 का गुणा करोगे 6 में तो 360 हो जाएगा, 360 में उसका भाग देना है, यहीं पे देना डायरेक्ट, तो देखो ये कट गए। अब 1620 में देना है, ठीक है, 1620 में देना है 36 का भाग, तो कैसे दोगे, आपको पता है 36 का पहाड़ आपको आना भी चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप 18 से काट लो, 18 का आता है 18×36 98 162 90 खत्म 45 खत्म, समझ में आएगी नहीं आई, यहीं पर करना है, लिखना नहीं है बस। चलो आगे बढ़े, चलिएगा एक सवाल, ये सवाल देखो क्या कह रहा है,
एक ये थोड़ा सवाल गलत है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा सवाल को कैसे करना है, ये हम बता देते हैं। सवाल गलत है, ठीक है, सही क्या होगा इसका उत्तर वो भी बता देते हैं। पहले अपन सवाल पूरा कर लेते हैं। ये ट्रेन 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर की दूरी है 10 मिनट में तय करती है, तो 7 मिनट की दूरी 7 मिनट में तय करना है किसी खम्भे को, तो ट्रेन की गति कितनी है? सिंपल सी बात कह रहा है, जो तुम्हारी स्पीड कितनी है। अब आप लोग ऐसे लगाते हो ट्रेन की लंबाई कितना है, दूरी बराबर क्या होता है, ट्रेन चाल इंटू समय, चाल कितनी है 12 किलोमीटर बटे घंटा, ये दूरी बटे समय, ये चाल होती है 10 मिनट, हो गया ठीक है, इंटू ये तो हो गई चाल आपकी 12 किलोमीटर में और प्रति मिनट ये चाल हो गई है 10 12 बटे 10, ये चाल हो गई, लिख दिया मैं चाल दूरी बराबर 7 मिनट में तय करना है। यहाँ भी मिनट है नीचे 10 मिनट है, यहाँ भी 7 मिनट है, तो मिनट से मिनट कट गए, ठीक है, तो मिनट से मिनट कट जाएंगे, देखो 62.84 काटे नहीं है, मतलब ये मिनट से मिनट कटे हैं, याद रखना ये, आप लोग समझो ना तो 10 से 7 काट दिए, ये मिनट से मिनट कट गए, ठीक है। अब 12 किलोमीटर में आ गई ये चाल हो गई 62.84 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई, ये हो गई ट्रेन की दूरी। अब 8.4 कहीं पे भी नहीं है, इसलिए आपका उत्तर ना ये दूरी है, आपको मीटर बताना है, तो मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1000 गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंक का दशमलव लग जाएगा, तो 8400 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 8400 आपका दूरी है ट्रेन की, ठीक है, ये आपका इतना कैलकुलेशन करोगे आप, इतना करना पड़ेगा। लेकिन इससे फास्ट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते थे फास्ट, यही तो आप सीखेंगे के लिए हमसे जुड़े हो। चलो ये देखो, ये देखो, अब यहाँ पे सवाल देख लो, आप बोल रहे हो 10 मिनट में 12 किलोमीटर, तो हम कहें 1 मिनट में 1.2, इतनी में ऐसे करो, देखो आपको कैसे बता रहे, इसी को पे आ जाओ, 10 मिनट में आप कहोगे 12 किलोमीटर, तो 7 मिनट में बताना है कितना चल पाओगे, ठीक है, तो आप 1.2 लगा दो, 1 से 7 गुना होगा, यहाँ से 12 से 7 गुना 884 खत्म हो गए, राइट है। देखो हमने क्या किया, पहले 0 हटाया, 0 का क्या किया 1.2 हो गया, 10 0 हट गया 1.2 लग गया, अब देखो 7 गुना होगा, तो समय कैसे करते हैं, देखो इस रेशियो को समझो, यहाँ पर हम रेशियो समझाते हैं, देखो रेशियो समझाते हैं तुम्हें, आओ रेशियो समझा देते हैं। पहले क्या किया हमने, देखो समझा ना, ये बराबर का निशान है, ये बराबर, ठीक है, हमने क्या कहा कि 10 मिनट तो 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो 7 मिनट में, तो हमने देखो ये मिनट 10 लिखे, तो इसी के नीचे वाली लाइन में लिखा 7 मिनट, ये आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो ये कितना गुना हुआ, 7 गुना हुआ, इसका भी 7 गुना हो जाएगा 84, करेक्ट है, लेकिन 0 था तो 0 का अपना हिसाब किताब कर लो, यहाँ पर अब ले था लगा दो, अभी 10 मिनट लगा दो, लेकिन 1 किलोमीटर में आया अभी, ठीक है, आपको बनाना है मिनट में, तो मिनट ए सेकंड में, मीटर में दूरी मीटर में आएगी ना, तो 1000 गुणा करना पड़ेगा, देखो 1000 का दूरी गुणा करोगे तो जो 1 अंक का 10 मतलब था ना, ये यहाँ पर 0 काट देगा और 8400, तो मान में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे करोगे, 1 का 7 गुना हुआ तो 12 7 84 84 कहीं नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा 8400, खत्म हो गई, कर सकते हैं मान में, बिल्कुल करेंगे, जीतना तो है, जीतेंगे अपन, बस सवाल देखो। चलो ये सवाल सब लोग जानते हैं करना, लेकिन कुछ हटके सिखाएंगे हम तुम्हें, देखो इस सवाल को औसत निकालना है, क्या निकालना औसत, औसत के लिए सब संख्या को जोड़ करना है, और 6 का 6 संख्या 6 का भाग लगा दो, अब जोड़ आप लोग करो, करते रहो, हमें क्या करना हुआ, तो उत्तर भी आ गया, यही तो जीत है। जहाँ आपने जीत स्टार्ट कर दिया, जहाँ आपने माइंड को समझा दिया कि मैं फास्ट करूँगा और मुझसे फास्ट नहीं कर पाएगा कोई भी, मैं कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, तो बस जीते बस अपनी, ये करना है आप लोगों को, जोड़ो सबको, 6 का भाग लगाओ, हमें क्या करना है, करते रहो तुम्हें जो करना है, हम ऐसा नहीं करने वाले, लेकिन इतना समझाओ अपने माइंड को, हम ऐसा नहीं करने वाले, आप लोग समझ लो इस बात को, हम ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं, करेक्ट। आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो 6 7 42 यहाँ से कर सकते हो, 6 48 और 6 9 54 और 6 10 60, अब 6 बार ये कटेगा, 6 7 42, ठीक है, राइट, और 10 मतलब के 3 बचेंगे तो 6 5 30, इतना हो जाएगा उत्तर, देखो कितना हो रहा, ऐसे ही कर दो ना, जोड़ करके सबका भाग लगाते हो नहीं 6 का, ठीक है, जोड़ कर लो, ये हो गया कितना हो गया, कहीं गलत हो गया क्या, 51 नहीं लिखे अभी हमने, 51 नहीं लिखे, 1 2 3 4 5 संख्या लिखी, 51 और ले गया, तो 51 लिख दो, तो यहाँ देखो 6 48 8 और 3 6 5 30 8.5, ये सबको जोड़ दो उत्तर हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते आप लोग, 7 7 14 14 में 8 जोड़ दो, 22 22 में 9 जोड़ दो, 31 31 में 8 जोड़ दो, तो 39 39 में 10 जोड़ दो, 49 49 में ये 0.5 और 50 उत्तर हो जाएगा, ये इतना तो कैलकुलेट करोगे आप लोग, अलग अलग काट सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो भी तब भी आप सबसे फास्ट कर लोगे, लेकिन ऐसे भी आप लोग
जो करोगे ना उसमें भी आप लोग बहुत समय ख़राब कर दोगे। अब हम आपको बता रहे हैं अपनी अप्रोच। तो हमने कैसे सवाल को देखा था, हमने क्या किया, हमें पता है 6 का भाग देना है सब में, यहीं पर देखना है। तो हमने कहा फिर इकाई अंक मैच कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं। ये दिमाग में आना चाहिए कब इकाई अंक मैच करना है कब नहीं करना है। देखो इकाई अंक मैच कर लेते हैं, कर लो इकाई अंक मैच किया है, 2 में 7 जोड़ोगे, 2 में 5 जोड़ोगे, यहाँ देखो हमने देखा 0 हो गया, ठीक है। इस 6 के साथ इसमें देखो 4 में आप क्या जोड़ोगे, ये 4 है, ये देखो 4 2 6, ठीक है। और 6 में आप जोड़ो ये 5 6 5, 11 11 में ये 9 जोड़ दोगे, 8 और 1 9, तो कितने हो जाएंगे 0, मतलब इकाई अंक 0 आने वाला। अब 6 का भाग कभी भी दोगे तुम, ठीक है, यहाँ 0 है तो पता है पूरा कट रहा है जो ऑप्शन में है। क्या आना चाहिए, या तो आप कहोगे कटने के बाद 6 5 30 बनता है, क्या बनता है 6 5 30 बनता है, तो हम कहेंगे इकाई अंक 5 आना चाहिए, या फिर कटने के बाद 0 आना चाहिए, 6 7 60 भी होता है कि नहीं, 0 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए कहेंगे 0। देखो 0 6 का भाग दोगे संख्या में, तो जब 6 का भाग दोगे इकाई अंक 0 आ रहा है, तो आप कहोगे कि 6 का पूरा कटना चाहिए, तो 6 5 30 30 में 5 इकाई अंक आ जाता है, ठीक है। या फिर पूरा कट रहा है तो 10 बार जाएगा, 10 बार के लिए आखिरी में 0 आना चाहिए, तो यहाँ 5 था ना, तो 0 ही था, 1 50, ये तो पहला उत्तर हमारा यही आ गया था। इस तरह आप सोचोगे तो आप आगे हो जाओगे लोगों से। देखो 12 पास करके आए हो, कैलकुलेटर तो कोई करना ही नहीं है, वो एग्जामिनर जानता है कि तुम 12 पास करके आओ, तुमसे कैलकुलेशन नहीं कराएंगे बेटा हम, तुम तो अपने दिमाग को खेल करो बस, कितना तुम फास्ट कर सकते हो। ये सवाल हो गए हैं आपके, अभी कुछ और भी हैं, ये और सवाल हैं, ये कल के वीडियो में देखेंगे अपन। आपको एक नया रोमांच देने वाले हैं एकदम हटके, अभी तक इस सवाल को पहले आप लोग करना, ये हमने आपको दे दिया है, और आप लोग टाइम लगाना कितने टाइम में किया है, फिर हम आपको अपने अप्रोच बताएंगे, और बिल्कुल 2 सेकंड 10 सेकंड में उड़ा दोगे सवाल, 10 सेकंड हाईएस्ट, ये कल बताएंगे तुम्हें। चलो तब तक के लिए नमस्कार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, थैंक यू।